हमारी चार बेटियां हैं, बेटा नहीं हो रहा है। इसके कारण भी हमें ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि तुमको बेटा नहीं है, तुम्हें जमीन जायदाद क्या चाहिए, तुमको जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा और जैसे तुमको रहने के लिए बोल रहे हो वैसे ही रहना पड़ेगा। एक नौकरानी की तरह घर में रहो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। किससे मारता है? जो मिल जाता है, बैठे हुए हैं, पानी से गिलास से पानी पी रहे, गिलास ही फेंक के मार देंगे, उनके हाथ में जो मिलेगा मार देंगे। अगर हम खाना भी खाते रहते हैं ना और उनको गुस्सा हो गया तो खाना में लात मार के फिर हमको पीटना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि बेटियों को भी मारते हैं। कितने बरस से मारपीट का चल रहा था? मारपीट तो सर शादी के 10 दिन बाद से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन हम सोचे कि चलो अब सुधर जाएंगे। हम मतलब नहीं चाहते थे कि मामला बाहर जाए या कोई जाने, इज्जत को लेके हम पड़े रहेंगे, कोई क्या कहेगा इसलिए। लेकिन अब बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे अपना पापा का अत्याचार। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता लाल। कहाँ पाई है? हम सर महिला थाना में आए हुए हैं। क्या चाहती हैं पुलिस से? हम पुलिस से न्याय चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अब पुलिस कार्रवाई करके हमें उनसे अलग करवा दे। हम अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने खुद कमा के खाना चाहते हैं, बच्चों को खिलाना चाहते हैं। अपने हस्बैंड के विरुद्ध घरेलू हिंसा का आवेदन दी है। हस्बैंड के अलावा उसके 3 भसूर हैं और ननद है। घरेलू हिंसा का है क्योंकि इनकी शादी को 18 साल हो गए हैं और हस्बैंड आके आज इनके जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर 2 गली नंबर 3 में थाना नगर में आके मारपीट किए हैं। ये महिला थाना में लिखित आके आवेदन दी है, FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। कितने लोग अभियुक्त बनाए गए हैं इसमें? टोटली 5 लोग अभियुक्त हैं, महिला का हस्बैंड, उसकी ननद और 3 भसूर। क्या कार्रवाई होगी अभी आगे? इनके घर पे अभी इनके हम अभी ससुराल जाएंगे और देखते हैं जो इसमें सुपरविजन में जो और देखा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई विधि सम्मत होगी वो किया जाएगा।